सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाद रोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन। सभी भक्तों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि भगवान की कृपा क्या है। किसी से भी अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके जीवन में भगवान की कृपा है, तो सभी लोग कहते हैं कि महाराज आजकल कमाई अच्छी हो रही है तो भगवान की बड़ी कृपा है, और कमाई नहीं होती तो कहते भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा गिरजा दुर्लभ दोए। बेटा बेटी घर परिवार धन संपत्ति ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में जो है वो तुमको मिलेगा, ये भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। लोगों का ये मानना है कि हमको दौलत संपत्ति बेटा बेटी घर परिवार भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन नहीं। भगवान की कृपा तब समझिएगा जब संतों की वाणी आपको समझ में आएगी। किसी व्यक्ति ने कबीरदास से पूछा कि बाबा भगवान की कृपा क्या है, तब संत कबीरदास मुस्करा करके बोले कि बेटा कृपा भई जब जानियो, जब दिखे अपनो दोष। व्यक्ति को जब अपने दुर्गुण नजर आने लग जाए तो समझना कि मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा हो रही है, और जब तुमको दूसरों के दोष नजर आने लग जाए तो सोचिएगा कि हम भगवान की कृपा से वंचित हो रहे हैं, भगवान की कृपा से दूर हो रहे हैं। तो जिस दिन आपके जीवन में मेरे गोविंद की कृपा होगी, उस दिन आप संसार के दोष दर्शन नहीं करोगे, आप संसार में बुराई नहीं खोजोगे, आप संसार की निंदा नहीं करोगे, आप किसी की ईर्ष्या किसी का आप बुरा नहीं सोच सकते हो। लेकिन जब हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो हमारे सबके मन में बस एक ही भाव होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वहाँ कश्चित दुख भाग भवेत। हे प्रभु सबके जीवन में सुख हो, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें, सबके जीवन में मंगल कामनाएं होती रहें। तो जब हम लोगों के मन में ये विचार आ जाए
कि सबका कल्याण हो और किसी का दोष दर्शन नहीं हो, तब समझ लेना कि हमारे जीवन में हमारी राधा रानी और हमारी बांके बिहारी की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।